जी बच्चे, तो ये एक अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे देखेंगे हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्या कह रहा है पहले ये देख लो आप। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन द ईदर साइड ऑफ द रोड। एक रोड है, जैसे लेट कर लिया कि पहले तो एक आप इसका ये कर लो, आप डायग्राम ड्रॉ कर लो। जैसे मान लो आपने कि ये एक रोड है, थोड़ा सा नीचे बना देता हूँ। अब देखिए आप इसमें ये आपने रोड बना लिया और इसके दोनों तरफ कह रहा है कि एक इस तरफ है और दूसरा जो है इस तरफ। रोड के दोनों तरफ क्या है आपके स्टैंडिंग टू पोल्स, दो पोल जो है वो भी इक्वल हाइट का, मतलब ये जितनी हाइट है उतनी ही हाइट इसकी भी है, दोनों की हाइट इक्वल है। तो एक चीज और ध्यान रख सकते हो आप, जब आपको ऐसा कुछ गिवन हो जिसमें कुछ चीजें इक्वल होती है, तो आप उसे उसी टाइम क्या करो, एक इक्वल वेरिएबल से उसे इनिशियलाइज कर दो। जैसे सपोज हाइट को नॉर्मली हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे आप एच लेट कर लो, ये भी एच हो जाएगा क्योंकि इक्वल हाइट की बात करी जा रही है। तो ये आसान रहता है कैलकुलेट करना ऐसे केस में। तो स्टैंडिंग ऑपोजिट, दोनों ऑपोजिट है ईच अदर ऑन द इधर साइड ऑफ द रोड, एक इस तरफ रोड के एक दूसरी तरफ है। विच इज 80 मीटर वाइड, और ये जो रोड की विड्थ है वो 80 मीटर है। ये जो रोड है आपका 80 मीटर वाइड है, ये रोड दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस 80 मीटर है, इनडायरेक्टली आप कह सकते हो। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, मतलब इन दोनों के बीच जो है रोड पे एक पॉइंट है। क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड पे कोई भी एक पॉइंट है, ये लेट कर लिया ये पॉइंट है, इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट। यहां से कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल और 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, मतलब इस पॉइंट से इस पोल के टॉप का और इस पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना है। एलिवेशन है 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, नीचे से ऊपर देखने को कहते हैं। तो मतलब ये वाला एंगल यहाँ पे, अब टेक्निकली देखो अगर आप, क्लियरली दिख रहा है कि जो ज्यादा पास रहता है उसका एंगल ज्यादा बड़ा होगा। तो आप इधर वाला 60 बना लो, इधर वाला 30 बना लो, क्योंकि अगर आप इधर 30 लिखोगे इधर 60 लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज के जितना पास रहोगे आप उतना ज्यादा मुड़ के आ। जैसे मान लो मैं दूर हूं, किसी वॉल को देख रहा हूं या किसी टॉप को देख रहा हूं, तो जितना मैं दूर रहूंगा उतना इजिली देख पाऊंगा, जैसे जैसे पास जाएंगे वैसे ज्यादा आपको एंगल अप करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा टेक्निकली ये फिगर को करेक्ट कर लेना। वैसे बच्चे तो किधर भी 30 60 लिख देते हैं, उसमें आपके आंसर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन टेक्निकली वो गलत होगा, तो उसे भी आप करेक्ट कर ले। तो जितना पास जाएंगे उतना एंगल बढ़ता जाएगा और जितना पहले रहेंगे आप उतना एंगल छोटा। जैसे ये मान लो 30 है, ये 60 होगा, ये 80 होगा, ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा एंगल। तो इस तरीके से आप देख लेना कि जो ये पास वाला रहेगा वो 60 होगा और जो थोड़ा डिस्टेंस इसका दूर है वो 30 डिग्री होगा। तो ऐसे आप समझ लेना आप। अब देखिए आप, ये उतना जरूरी नहीं है टेक्निकली, बस ये आपको करना। अदरवाइज अगर आप 30 इधर लिखते हो 60 उधर लिखते हो देन नो प्रॉब्लम। तो अब देखो आप यहाँ पे क्या करोगे, अब हमें ये टोटल डिस्टेंस इज 80 मीटर गिवन, बट ये डिस्टेंस जो है, दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज नॉट गिवन। तो इन दिस केस ए बी सी और इसे आप ले लो डी डी ई, ये लिख लिया हमने नाम इसका। अब मुझे क्योंकि ये डिस्टेंस पता नहीं है तो मैं इसे लेट कर सकता हूं, और लेट कर लिया कि दिस डिस्टेंस इज एक्स, इसे हमने एक्स मीटर लेट कर लिया। तो रिमेनिंग कितना होगा, टोटल 80 है जिसमें ये एक्स है, तो ये आपको पता है 80 माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये तो आपको पता ही होगा कि ये अगर एक्स है तो 80 में से माइनस कर दिया तो रिमेनिंग ये हो गया 80 माइनस एक्स, ये वाला डिस्टेंस। हमें पता चल गया कि इधर हो गया 80 माइनस एक्स और इधर हो गया एक्स, समझ लेना आप। अब देखिए आप, अब क्या करेंगे आगे आप। अब आपको पता है कि सबसे पहले जब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम, तो जब यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो आपने इसमें जो जो चीज लेट करा है
जैसे ये दोनों टावर है तो सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखना जरूरी है वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे, लेट ए बी एंड ई डी आर द इक्वल हाइट्स ऑफ द टावर, इक्वल हाइट्स ऑफ द पोल, ऑफ द पोल। जो भी डिटेल आपने यहां लिखा है वो जो है डी इज द विड्थ ऑफ द रोड एंड डी ए इज द विड्थ ऑफ रोड, तो ये सारी डिटेल जो है ना आप लिख लेना जो भी मेंशन है। अब सारी मैं लिख नहीं रहा हूं, मुझे मैंने आपको इसका मैकेनिज्म समझाना है, ये सब सारी चीजें तो आपको पता ही है, इसमें से नोट डाउन कर लेना तो वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन मोटी मोटी बातें मैंने यहां पे लिख दिया। एंगल ऑफ एलिवेशन वगैरह आप मेंशन कर लेना है। आप नाउ कमिंग कि इसका मेन मैकेनिज्म आपको समझोगे कैसे सॉल्व कैसे करोगे वो है इंपॉर्टेंट। अब देखिए आप यहां पे क्या करेंगे, ये इसलिए लिख दिया है दो लाइन क्योंकि ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेगा, इसीलिए मैंने पहले बता दिया कि लिखना जरूरी है। जो जो आपने जिसको जिसको हाइट लिया है जिसको विड्थ लिया है वो सब मेंशन कर दिया आपने। अब आप क्या करेंगे, आपको पता है कि जब दो ट्रायंगल आपको दिख रहा हो तो ज्यादातर उसमें हम टेन यूज करते हैं, सिंपल सा लॉजिक होता है, तो दो टेन में ज्यादातर आपको टेन से ही आंसर मिलता है। तो हमने यहां से स्टार्ट कर लिया कि देखो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, कोई भी एक ट्रायंगल ले लेते हैं, जैसे ए बी सी ये वाला ट्रायंगल ले लिया हमने, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ये हो गया ए बी सी। तो एबीसी ट्राइंगल में क्या है, देखो ये 60 डिग्री है तो टेन का यूज करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा इन ट्राइंगल एबीसी टेन 60 डिग्री, और टेन का फॉर्मूला आपको पता है पी बाई बी होता है, पी बाई बी होता है, तो परपेंडिकुलर क्या होता है, इसका परपेंडिकुलर ये हुआ जो एंगल है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो ये आपका एच है, डायरेक्ट लिख देता हूं, वैसे तो आप ए बी लिखो, लिखना चाहो तो लिख लो, लेकिन परपेंडिकुलर हमें पता है कि ये यहां से यहां तक एच ही है तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूं एच, परपेंडिकुलर एच है अपॉन में, और इसका जो बेस है वो कितना है वो हमने एक्स सेलेक्ट किया हुआ है तो डायरेक्ट लिख देता हूं एक्स, तो यहां पे एक्स लिख दिया। वैसे आपको लिखना हो तो क्या लिख सकते थे, ए बी बाई बी सी, फिर आप इसमें वैल्यू पुट करते, तो बात एक ही है, जिसे नहीं क्लियर है वो समझ लो आप, ए बी ये हो गया परपेंडिकुलर, बेस हो गया बी सी। अब देखो ए बी जो है ये है, बी सी जो है ये है, तो अगर आपको क्लियर नहीं हो तो ये आप ध्यान से समझ लो इसे। तो चलिए आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया, अब क्या करोगे आप, इसे मैं मिटा देता हूं, इसकी जरूरत है नहीं, आइडिया लग गया आपको। चलिए अब आप क्या करो, इसकी वैल्यू पुट करो, 1060 कितना होता है, 1060 इज रूट थ्री, और इधर एच बाय एक्स। अब आप इसे क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कोई भी वैल्यू आप निकाल के रख लो, चाहे एक्स की या एच की, एच की निकाल लेते ज्यादा ईजी है, ये सीधा रूट थ्री एक्स हो जाएगा। तो हमने क्या करा, एच की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है कि एच जो है इतना है। अब आ जाते हैं हम सेकेंड ट्राइंगल में, अगेन इन ट्राइंगल, अब कौन सा ट्राइंगल है, डी ई सी, इस ट्राइंगल में देखो आप, इन ट्राइंगल डी ई सी, इस ट्राइंगल में क्या लेंगे हम 30 डिग्री, 10 30, तो यहां पे हमने 10 30 डिग्री लिया, और इसका परपेंडिकुलर क्या है, डी, परपेंडिकुलर है डी, तो DE क्योंकि परपेंडिकुलर बाय बेस होता है DE, और अपॉन में इसका बेस क्या है, इसका बेस है CE, CE ये बेस हो गया, इसकी वैल्यू आप पुट कर लो, यहां मिटा देता हूं आगे लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, इसकी वैल्यू क्या आ गई, DE इज इक्वल टू, तो DEH है, और अपॉन में ये जो CE है वो 80 माइनस एक्स है, तो अब इसकी जरूरत है नहीं, मैं मिटा लेता हूं डायरेक्ट, हमारी उसकी ही जरूरत है, तो आप यहां लिख लो इसे H अपॉन में 80 माइनस एक्स, डायरेक्टली लिख दिया है, आप इसको मिटा लेना, मैं टोटल एक्सप्लेन करने के लिए उतना लिख दिया। अब क्या करो, 10 30 होता क्या है, तो 10 30 इज 1/√3 इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा, H बाई 80 माइनस एक्स, ये आ गया। अब क्या करोगे आप, तो यहां से देखो ध्यान से कि ये H की वैल्यू आप चाहो तो यहां भी पुट कर सकते हो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी पुट कर सकते हैं, तो जैसा दिल करे वैसा कर लो। तो मैं एक काम करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, शायद आपको ज्यादा इजी हो जाए, या यहाँ पे भी आप पुट कर सकते हो, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक सिंपलेस्ट फॉर्म ले ही आते हैं, तो इधर आ गया रूट थ्री इंटू एच, ये एच है आपका, तो रूट थ्री एच हो गया, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपका
30 माइनस एक्स आ गया। अब देखो यहाँ पे हमने पुट कर दिया ये वाली वैल्यू, अगर आप इसे 1 पुट कर लो तो यहाँ अगेन लिख लो पुटिंग द वैल्यू ऑफ h, अगर आप इसे इक्वेशन 2 लेट करते हो तो इन इक्वेशन सेकेंड में पुट करना है। तो देखो रूट थ्री का तो रूट थ्री एज इट इज आ जाएगा, लेकिन जो h है h के बदले क्या लिखोगे, h के बदले है रूट थ्री एक्स, तो h की जगह हम लिख देंगे इंटू, जहां कोई साइन नहीं है वहां इंटू, और h की जगह है रूट थ्री एक्स। ये छोटी छोटी बातें मैं इसलिए बता देता हूं कि कोई भी अगर बच्चे ये देखे तो उसको जीरो से सारी चीजें समझ में आ जाए, जिनको क्लियर है वो थोड़ा स्किप कर सकते हैं या अपनी फास्ट कर सकते हैं ये वीडियो को। तो देखो इधर आप क्या आ गए, एच की वैल्यू है आपका रूट थ्री एक्स, तो ये हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया इज इक्वल टू इधर क्या आ गया 80 माइनस एक्स। अभी आपको पता है रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री हो जाएगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा ये आ जाएगा थ्री, चीजें क्लियर है ठीक है। तो थ्री एक्स उधर कितना आ गया 80 माइनस एक्स, फिर ये एक्स जब इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा थ्री एक्स, ये एक्स इधर आके माइनस का एक्स इज इक्वल टू में क्या बनेगा 80, तो ये 3x माइनस एक्स तो 2x आएगा। यहाँ नीचे देखो दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है 2x इज इक्वल टू 80, यहाँ 2 से ये कैंसल आउट 40 टाइम्स, तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई। मैं इधर मिटा देता हूँ, इतना स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसके। चलो अब क्या होगा, ये इक्वेशन वक्वेशन मिटा ही देता हूँ ना, समझ तो गया ही हो ना। चलो यहाँ से हटा देता हूँ जो इक्वेशन था, तो अब क्या आ गया x की वैल्यू आ गया आपके पास 40, और x ये क्या है मीटर में है वेट, तो आप यहाँ मीटर भी लगा सकते हो। तो हमें x कितना निकल गया 40 मीटर। अब हमें 80 माइनस x जो है 80 माइनस x निकालना है, तो 80 माइनस x क्या आएगा, नाउ 80 माइनस x मींस 80 और माइनस x, x कितना आया है 40, कितना आ गया 80 माइनस 40, ये क्या आ गया, गलत तो नहीं आ गया भाई, 2 से 40 80 माइनस एक्स दोनों 40 आ गया, कुछ गलत तो नहीं हो गया। देखो आप एक मिनट, हाँ जी बच्चे, तो यहाँ पे देखो ये मिस्टेक है थोड़ा सा, इसको थोड़ा आप इसे करेक्ट कर लो, यहाँ पे गड़बड़ है ना, ये यहाँ गलत हो गया था, तो मुझे भी लग रहा था दोनों सेम कैसे आ गया, क्योंकि ये सेम इसलिए नहीं हो सकता कि सेम तभी होगा जब इधर भी जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा उधर ये सेम रखना पड़ेगा, तभी एग्जैक्ट मिड पॉइंट होगा वो, लेकिन ऐसा है नहीं, एक 60 एक 30 है तो मतलब नहीं आएगा। तो ये जो माइनस है ना इधर आके प्लस करना था, मैंने माइनस कर दिया, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा और इधर आ गया आपका 80। तो मिस्टेक देखो कभी भी हो सकता है, तो कॉन्सेंट्रेट करना बहुत जरूरी है, मतलब किसी से भी हो सकता है। चलिए तो 3x प्लस x कितना आ गया 4x इज इक्वल टू 80। चलिए अब कितना आ गया, यहां से 4 से आप इसे कैंसल आउट कर दो, कितनी बार में जाएगा 20, तो x की वैल्यू 20 आ गया यहाँ पे, यहां लिख देता हूं x की वैल्यू 20 आ गया, और मीटर लगा दो आप साथ में, और उसके बाद दूसरी डिस्टेंस क्या है 80 माइनस एक्स, तो नाउ 80 माइनस एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 80 माइनस एक्स कितना है 20, तो कितना आ जाएगा 60 मीटर। तो एक डिस्टेंस आ गया आपका 20 मीटर और दूसरा डिस्टेंस आ गया आपका 60 मीटर। अब ये फाइनली लिखना हो तो x किसको कहते हैं, x इज बीसी डिस्टेंस, तो आप यहां भी लिख सकते हो, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं बीसी इज इक्वल टू 20 मीटर, और इसे क्या लिख सकते हैं 80 माइनस एक्स को यहां पे, और 80 माइनस एक्स इज सी, सो सी डिस्टेंस इज सी इज इक्वल टू 60 मीटर। तो दिस वे वी हैव व्हाट फाउंड द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, तो ये जो है दो डिस्टेंस उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है, एंड नाउ वी अगेन हैव टू फाइंड आउट वन मोर थिंग ना, देखो यहाँ पे क्या दिया है, फाइंड अगेन वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें जो है हाइट ऑफ द पोल भी बतानी है यहाँ पे, हमने अभी सिर्फ ये डिस्टेंस निकाला है ऑन द रोड, दैट पॉइंट इज गिवन। तो अब आप क्या करोगे, एच की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसे मिटा देता हूं। चलिए अब देखो इसका हाइट निकालना है हमें, इधर मैं मिटा देता हूं थोड़ा ऊपर तक,
अब किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दो ये वैल्यू और आंसर आ जाएगा। जैसे ये देखो वन है, वन में पुट कर लेंगे हमें फ्रॉम इक्वेशन वन, तो वन क्या है हमारा h इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स, ये हमारे पास ये, अब इसे मिटा देते हैं और यहां से आंसर आ जाएगा अपना। चलिए अब देखिए यहां पे वैल्यू पुट कर दो क्या हो गया रूट थ्री और x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू है 20, तो ये 20 आ गया, तो फाइनली ये क्या हो गया, पहले नंबर लिखेंगे रूट थ्री बाद में, तो 20√3 मीटर। आप चाहो तो इसकी वैल्यू आप ऐसे करके 1.73 वाला वैल्यू रूट थ्री की वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हो, तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप ये भी आंसर लिख सकते क्योंकि बुक के अंदर ज्यादातर ऐसे ही फॉर्म में आंसर होता है, बट प्रैक्टिकली देखो तो ये थोड़ा अजीब सा लगता है। मैं पूछूंगा कितनी हाइट है, या आपको ही पूछ लिया कि आपके पास जैसे कितने रुपए, या आपकी हाइट कितनी है, आप बोलोगे 3√2 मीटर है, तो बड़ा पागलपंती लगता है। तो प्रैक्टिकली ऐसे लिखना ठीक नहीं होता है रूट में, आप हाइट जो है नॉर्मल मीटर में ही लिखा जाता है, फिर भी आप देख लेना आपको दोनों इसमें गलत होता नहीं है, एनसीईआरटी में आंसर ऐसे ही लिखे होते हैं। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया, हाइट हमने निकाल दिया एंड डिस्टेंस भी निकाल दिया। चलिए इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।